हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस क्लास में हमारी बैडमिंटन से रिलेटेड जो स्किल टेस्ट है वो हम दो टेस्ट क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट टेस्ट इज लोकहार्ट एनएमसी फैल्कन स्किल टेस्ट एंड द सेकंड टेस्ट इज मिलर बॉल वॉली टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट हमारे बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकहार्ट एनएमसी फैल्कन स्किल टेस्ट की। तो ये टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1949 में, जो कि कॉलेज वुमेन्स के लिए टेस्ट को बनाया गया था। इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगे, हम एक बॉल पे डायमेंशन जो मैं आपको बताऊंगी ये हम बनाएंगे बॉल पर, और उसके लिए हमें मार्किंग पाउडर चाहिएगा और हमें रैकेट और शटल बॉल, ये हमें इसके लिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की नीड होगी। तो इस टेस्ट के लिए हमें क्या कराना होगा, हमें बॉल पे एक डायमेंशन एक बॉक्स बनाना होगा जिसका जो डायमेंशन होगा 10x10 फीट का एक हम बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स में हमें क्या करना होगा, इसको हम 10 का है, ये 10 फीट का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये कैसे करेंगे, हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 5 फीट, हाफ कितना हुआ 5 फीट 5 फीट, लेकिन हम जो ये 5 फीट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कितना होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी 1 इंच की जो होगी ये हमारी लाइन होगी। तो ये जो एरिया बचा है कितना हो गया हमारा 4 फीट 11 इंचेस, क्योंकि ये एक लाइन 1 इंच की हमारी लाइन हो गई, तो हमारा कितना हुआ 5 फीट का ये एरिया हुआ और 4 फीट 11 इंचेस का हमारा ये एरिया हुआ। टोटल जो हमारा हुआ वो हुआ 10 फीट। तो ये हमारा बॉक्स प्रिपेयर करेंगे, जो ये बॉक्स जो बना है हमारा 4 फीट 11 इंचेस का, यहाँ पर हमें जो बॉली करनी है हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड लाइन जो होगी वो हमारी जो होगी 3 फीट, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 फीट डिस्टेंस बॉल से, और इसके बाद फिर हम एक और जो रिस्ट्रिक्टेड लाइन होगी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बॉल से 6-6.5 फीट दूरी पे होगी। सब्जेक्ट जो होगा इस एरिया में खड़ा होगा, उसको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया गया, 30 सेकेंड्स में वो इस एरिया में यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट करेगा वो सारा हम काउंट करेंगे। कह रही है इसका डायमेंशन था 10x10 का, हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि डिवाइडेड होगा एक लाइन से जो कि 5 फीट की होगी, 5x5 फीट, क्योंकि ये लाइन आपकी जो मैंने बताई थी जो कि 1 इंचेस की है, इसलिए 4 फीट 11 इंचेस के बॉक्सेस हो गया जिसमें हम लोग हिट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट लाइन जो कि दो रिस्ट्रिक्ट, एक रिस्ट्रिक्ट लाइन जो है वो 3 फीट की है, जो दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की 5.5 फीट पे, तो 5.5 फीट पे इस एरिया से खड़ा होकर सब्जेक्ट जो 30 सेकंड में जितने भी इस एरिया में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स करेगा वो काउंट हो जाएंगे। तो ये था हमारा लॉकहार्ट एंड एमसी फैल्कन स्किल टेस्ट। अब हम आते हैं हमारे मिलर बॉल वॉली टेस्ट पे। मिलर बॉल वॉली जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1951 में। इसके बाद इस टेस्ट में क्या कौन सा स्किल हम चेक करते हैं, इस टेस्ट में क्लियर जो कि बेसिक स्किल है, इस क्लियर का मतलब है जो भी हम अपोनेंट के कोर्ट में हाई शॉट हम मारते हैं ये हमारा ये होता है क्लियर स्किल है, ठीक है। तो इस स्किल को चेक करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। इस टेस्ट में क्या होता है, जो एरिया होगा वॉल पे हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी जो हाइट होगी वो होगी 15 फीट हाइट होगी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे लाइन में जैसे हमने उसमें किया था 5, ये इसमें क्या करेंगे 7.5 × 7.5 × 15 है, तो हमारी डिवाइड हो गया ये एरिया जहाँ पर हमें हिट करना है। इसके बाद एक रिस्ट्रिक्टेड लाइन ग्राउंड में हम ड्रॉ करेंगे जो भी होगी 10 फीट, बॉल से कितना डिस्टेंस होगा 10 फीट की दूरी पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट खड़ा होगा, जो जितने मैक्सिमम नंबर हो वो क्लियर हिट यहाँ पे हिट करेगा 30 सेकेंड्स में, सेम इसमें 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट वो यहाँ पे शॉट लगाएगा, जो कि हाई शॉट क्लियर मैंने बताया था, जो कि हाई शॉट होते हैं यहाँ पे हाई शॉट करेगा वो ही हम नोट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो ये थे हमारे दोनों टेस्ट जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड थे, लोकहार्ट एनएमसी फैल्कन स्किल टेस्ट एंड मिलर बॉल वॉली टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।